नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ट्रेन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। राजस्थान चुनाव को लेकर वोटिंग की डेट जैसे जैसे पास आ रही है, राज्य में सियासी हलचल काफी तेज हो गई। सियासी जादूगर के नाम से मशहूर सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस की जीत के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। राज्य की कई ऐसी सीटें हैं जिस पर लोगों की खास निगाहें जमी हुई। इन्हीं में से एक सीट उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र, झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एक उदयपुरवाटी सीट पर बसपा का दबदबा है और उसे भी माना जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी को टक्कर भाजपा के उम्मीदवार संदीप सैनी दे रहे, लेकिन वोटिंग से हफ्ते भर पहले उदयपुरवाटी सीट पर बड़ा खेला हो गया। आपको बता दें कि उदयपुरवाटी में बसपा उम्मीदवार संदीप सैनी ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से ही राजनीतिक सरगर्मी और ज्यादा तेज हो गई। आपको बता दें ये वही नेता है जो पहले मायावती के खेमे में रहा करते थे और अब उन्होंने अचानक से बड़ी पलटी मार दी, जिसके बाद से ही पूरी राजनीतिक पार्टी में खलबली मची हुई। आपको बता दें जहां पहले जो है इनके बारे में बात कही जा रही थी कि ये बसपा पे ही रहेंगे, अचानक से इन्होंने पलटी मारी और अब वो कांग्रेस के खेमे में आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका अशोक गहलोत ने बड़ा खुलासा किया और खुद इस नेता ने यानी कि संदीप सैनी ने मीडिया में आकर बड़ा खुलासा किया। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान के चुनाव में इस वक्त माहौल बिगड़ा और अहम माना जा रहा है राजस्थान का चुनाव 2024 की विधानसभा माफ कीजिएगा लोकसभा चुनाव के लिए, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के तीनों चुनाव किसी ने जीत लिए तो लोकसभा में जीत उनकी पक्की होती हुई नजर आई। और इसी का नया चाल खेलते हुए अब अशोक गहलोत ने बड़ा खेला कर दिया। राजस्थान की चुनाव की तारीख आने से पहले ही सीएम गहलोत ने एक बड़ा खेल खेला और उदयपुरवाटी पर बसपा के उम्मीदवार को उतार दिया, जो कि एक काफ़ी अच्छे नेता माने जा रहे हैं अब बसपा पार्टी के, और लगातार उनको लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। दर्शकों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि बसपा नेता की पलटी मारते ही अशोक गहलोत का खेमा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ पहले जो है उदयपुरवाटी, जो कि राजस्थान से ही एक विधानसभा सीट मानी जाती है, उस पर जो है कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई नजर आ रही थी, और अचानक से यहां पर बसपा नेता की एंट्री होने के बाद से ही वही पार्टी और वही सीट अब मजबूती से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में राजस्थान का चुनाव अहम माना जा रहा है और राजस्थान में गहलोत की सरकार थी, और लगातार कहा यह गया कि हर बार ऐसा होता आया है कि एक पंचवर्षीय गहलोत की सरकार तो एक पंचवर्षीय मोदी की सरकार रही, लेकिन इस बार गहलोत ने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार बीजेपी को वहां पर इस रणनीति के तहत आने नहीं देना और दोबारा से ही लगातार जो है गहलोत की सरकार यानी कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को उजागर करना है। दर्शकों, अब देखना ही होगा कि जिस प्रकार से जो है गहलोत ने ये बड़ा बाजी मारी है और बड़ी बाजी खेली है, ऐसे में संदीप सैनी कितना ज़्यादा वोट बटोर कर लेकर आते हैं उदयपुरवाटी सीट से। इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट ट्रेन आवाज़।